पर रोज सफाई करना बहुत जरूरी होता है। सफाई नहीं कीजिएगा तो कुत्ते बहुत ज्यादा ही बीमार होते हैं, तो रोज सफाई करें दोस्तों। सफाई हो चुकी है दोस्तों, और फिनाइल से भी हमने धो दिया और पंखा चालू कर दिया है कि जल्दी से रूम सूख। बकरी के खाने वाले बर्तन को भी फूलने के लिए छोड़ दिए हैं, तो बकरियों के लिए दलिया बनाते हैं तो उसको भी गर्म हो गया है, तो इसको चघा देते हैं बनने के लिए और 3-4 घंटे में बन जाएगा। तब तक बकरी को चराई पे लेके चलते हैं। देखो दोस्तों, सारी बकरियां खुलने के लिए तैयार है और गाय को भी तालाब में बांधना है क्योंकि 10 बज चुका है, तो इनको पहले खोल देते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर गाय को तालाब। तो देखिए दोस्तों, जो बकरियों के लिए हम खाना बनाते हैं इसमें नमक और हल्दी दोनों मिक्स कर दिया है, तो अभी पक के रेडी। खुलने के बाद बैर खाने आ गए हैं, तो इन लोग बैर खा लिए, हम इनको आगे लेके चलते हैं क्योंकि दिन भर बैर ही खाएंगे। सरसों के खेत में हेल गई है भाई, कितना भी मना करते साला ये हेल जाते हैं यार, क्या करें। तो बकरियां अभी चरने के लिए आ गई हैं और धूप ज्यादा उग रहा है क्योंकि फरवरी का महीना आ गया, तो धूप ज्यादा उग रहा है, तो धूप में बकरियां नहीं चरती हैं, छांव के समय चरती हैं। जो इधर छांव है ये एरिया पूरा, तो बकरियां छांव में चरना। तो बकरियां चर के आ गई हैं और धूप ज्यादा उग गया है, 1 बज चुका है, अब इनको अंदर करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।